नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मिस क्लास। आने वाले आपके एसएसटी के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लेते हैं। सीबीएसई द्वारा जारी सैम्पल पेपर 2021-22 अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इस वीडियो को देखते रहिए। अगर कर लिया है तो रिवीजन के तौर पर भी अपनी वीडियो को देख सकते हैं और आप आंसर टिक करने से पहले आप उत्तर अपना बता सकते हैं। कक्षा दसवीं के लिए है, किस हिसाब से बांटा गया है, अधिकतम अंक 40 अंक के हैं, ठीक है। तो ये आपका सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर है 2021-22 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इससे पहले प्यारे बच्चों आपको बताऊं तो इससे पहले भी हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग एक, भाग दो, हाँ ठीक है, संसाधन का विकास भाग तीन, जल संसाधन, कृषि, शक्ति साझाकरण, संघवाद, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। अगर इसके आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे जाकर आसानी से दे सकते हैं। और सभी आपके टर्म फर्स्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। उसी प्रकार से आपका साइंस का बनाया गया है, ठीक है। देखेंगे हिंदी माध्यम के लिए है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु अधातु, जैव प्रक्रम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और डीओई द्वारा एक पेपर प्रश्न पत्र भी दिया गया था प्यारे बच्चों आपका, ठीक है। भाग एक, भाग दो, भाग तीन में हमने ये सारे प्रश्न किए थे। जिन बच्चों ने नहीं कर रखे वो जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम एसएसटी के पेपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। और इसका मैप वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने बना रखा था, जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न खंड क है, 24 प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न करने, हमें तो सभी 24 के 24 करने हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ण में यंग यूरोप भूमिगत गुप्त समाज के संस्थापक थे, ठीक है। तो क है आपका ग्यूसेप गैलिबाल्डी, गैरिबाल्डी, ख ग्यूसेप माजिनी, ग काउंट कैवोर, घ है आपका ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो इसका आंसर है आपका ख, ग्यूसेप माजिनी। और जब हम पढ़ा रहे थे तभी भी, जब चैप्टर वाइज चल रहा था तभी भी आपको ये चीज बताई गई थी और आप लोग अच्छे से कमेंट कर रहे थे। प्रश्न नंबर दो पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ अधिनियम एक्ट ऑफ यूनियन 1704 का परिणाम था, जर्मनी का एकीकरण, ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण, इटली का एकीकरण, वियतनाम का एकीकरण। तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण था, इसका आंसर होगा ख, ठीक है। प्रश्न नंबर तीन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जोल वेरिन के संबंध की सही कथन की पहचान करें। यह राजनीतिक संगठनों के प्रबंध के लिए एक गठित पर्शिया राज्यों का गठबंधन था। इसका उद्देश्य पर्शिया को राजनीतिक रूप से एक संघ में बांधना था। ग है पर्शिया या पर्शिया की पहल पर एक कमस्ट यूनियन था। घ इससे इसने यूरोप में राष्ट्रीय भावना को जगाने और बढ़ाने में मदद की। तो तीसरे का ग है, यह पर्शिया की पहल पर एक कस्टम यूनियन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्शिया के साथ तीन युद्धों में शामिल था और जर्मनी की जीत और एकीकरण के साथ समाप्त हुआ था, वो आपका ऑस्ट्रिया, पोलैंड और फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, हाँ डेनमार्क भी था, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और फ्रांस, ऑस्ट्रिया याद रखना, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसमें डेनमार्क भी ध्यान में रखना इस बात का, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच चलते हैं। उस विचारधारा की पहचान कीजिए जिसके तहत लोगों ने 19वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में बाजारों की स्वतंत्रता की मांग की, स्वच्छंदतावाद, अच्छा बिल्कुल स्वच्छंदतावाद, उदारवाद, समाजवाद, तर्कवाद, ठीक है। ये कब आ गया था, इसका आंसर है ख, उदारवाद। प्रश्न नंबर छह। फसलों और उन क्षेत्रों के बारे में सही सुमेलित युग्म चुने जिसमें वे उगाए जाते हैं, ठीक है। सही सुमेल चुनना है आपका, तो प्रश्न नंबर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका मूंगफली असम, चाय गुजरात, कॉफी कर्नाटक, गन्ना छत्तीसगढ़, ठीक है। कर्नाटक में कॉफी याद रखना, और मैप में भरते, जब हमने मैप भरा था पिछली बार वाला, प्यारे बच्चों मैप वाला भी देख लेना, जब मैप भर रहे तो कॉफी कर्नाटक में ध्यान लगाया था, अब मूंगफली असम में कहा, अगर चाय वाय होता तो ठीक भी कर ले, तो उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो एक ही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर सात। पिछले एक से पांच कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़े गए भूमि के टुकड़े को डैश कहा जाता है, सही विकल्प है बंजर भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि, परती भूमि। याद रखना यहाँ पे लोग बंजर भूमि कई बार निशान करके आ जाते हैं, छोड़ रखा है, लेकिन कृषि के लिए कुछ समय के लिए छोड़ रखा है तो वो परती भूमि होती है, उस पर खेती नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न नंबर सात हो गया। प्रश्न नंबर आठ पे आते हैं अच्छी तरह से।
1992 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो याद रखना। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 9 पे। भारत के पास विभिन्न प्रकार की राहत सुविधाओं के तहत भूमि है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कुछ नदियों के बारहमाही प्रवाह को मतलब बारहमाह बहने को सुनिश्चित करती हैं? पर्यटन और पारिस्थितिक पहलुओं के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं, ठीक है, तो मैदानी, पठार, द्वीप समूह, पर्वत, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्वत, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित मानवीय गतिविधियों में से किसी एक ने भूमि निम्नीकरण के महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वनों की कटाई, फसल आवर्तन, आश्रय क्षेत्र, जुताई, तो इसका हो जाएगा आश्रय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 मतलब ये वाला तो लग रहा है किसी एक भूमि निम्नीकरण के महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इसका हो जाएगा वनों की कटाई क, ठीक है, इसका हो जाएगा क। 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यावाद को अपनाया? वो श्रीलंका था। क्या श्रीलंका? भारत तो हो ही नहीं सकता, बांग्लादेश ऐसा ही नहीं, नेपाल के पास तो क्या कुछ का कभी बनाते कभी नहीं बनाते कभी बनाते कभी नहीं बनाते, तो भारत को तो पता ही बहुसंख्या के आधार पर नहीं है, लोकतंत्र के आधार पर बनाया गया, तो श्रीलंका का क्या गया बहुसंख्यावाद पर संविधान बनाया गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से सत्ता के बंटवारे के महत्वपूर्ण कारणों की पहचान कीजिए। सत्ता का बंटवारा क्यों किया गया था? जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुसंख्या के आधार पर कर दिया था, लेकिन इसमें सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करना, हाँ बिल्कुल, जाति संस्कृति विकास प्रदान करना, लोगों के विशिष्ट अधिकारों का लाभ, विशिष्ट अधिकार तो कहाँ से होगा, एक पार्टी के वर्चस्व को प्रस्थापित करना, ये तो दोनों बिल्कुल नहीं, इन दोनों में से कौन सही लग रहा है? सामाजिक, जहां समाज वहां सही, सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करना, तो इसका बिल्कुल सही है। 12 आ जाते हैं। फिर 13वें पे आ जाते हैं, ठीक है। 13वें पे क्या लिखा गया है, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम की तीसरी तरह की सरकार भी है। अच्छा, भारत में तो दो ही सरकार है, बेल्जियम ने बोला ना ना नाम तो एक और सरकार बनाए। निम्नलिखित विकल्पों में से इस तीसरे प्रकार की सरकार को पहचानिए। लोकतांत्रिक सरकार, समाजवादी सरकार, सामुदायिक सरकार, उधार सरकार सामुदायिक सरकार, तो इसका 13वें का ग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टूगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? याद रखना, कमिंग टूगेदर, सबको साथ कौन बुलाएगा? यूएसए भाई, यूएसए ही बुलाएगा सबको, भैया सब आ जाओ हमारे पास, ठीक है, दूसरा कोई नहीं बुलाएगा, याद रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की गई शक्ति को सत्ता का क्षैतिज वितरण क्यों कहा जाता है? सही कारण को पहचान करें। पहला, यह न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के अधिक शक्ति देता है। अच्छा जी, यह सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही। यह राजनीतिक स्तर पर विभिन्न विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व देता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने और समन्वय करता है, नहीं, तो ये आपका, यह सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर ख बिल्कुल सही है। 15 के बाद चलते हैं 16वें पे। 16वें क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो इसमें शामिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये कमेंट में जरूर करके बताना, ठीक है, ये आपको होमवर्क है, कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है, और जिसका कमेंट होगा मैं उसे पिन भी कर दूंगा, और ज्यादातर बच्चों का कमेंट सही होता है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट विषय सूची, ठीक है, तो इसमें से आपका ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें से आपके बचते हैं तीन में से एक ऑप्शन सही बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत विशेष शक्तियों का लाभ लेता है? अभी 370 हटाया था हमने यहां से, याद रखना, 370 कहां से हटाया था? जम्मू और कश्मीर से हटा के, भैया अपना मतलब उनको अलग से मिल रहे थे जम्मू कश्मीर को फायदे, लेकिन ऐसा नहीं था, जम्मू कश्मीर और भी ऐसे थे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आपको पता ये तो होंगे नहीं, उधर के होंगे नॉर्थ ईस्ट वाले, याद रखना। 371 में एक नागालैंड भी है जिसको एक विशेष शक्तियां उसे दी गई है, संविधान अनुच्छेद में विशेष विशेषताएं दी गई है, चलो 371A के तहत, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा ही पूछ सकता है, नागालैंड को कौन सी विशेष शक्तियां दी गई संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में, तो 371A, और 370 तो हट ही गया भैया, जम्मू कश्मीर सफा सफ। क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों का एक उदाहरण है? बैंकिंग, प्राथमिक क्षेत्र, याद रख लेना,
ये क्या भैया? आउटसोर्सिंग भैया, पहले ही आउट हो जाओ तुम तो। खेती, बैंकिंग, अरे ये बैंकिंग था, ये बैंकिंग था, ठीक है, ये है बैंकिंग, ठीक है। तो इसका प्राथमिक क्षेत्र का है खेती, ठीक है, खेती रहेगा इस वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों, फटाक से खंड क तो खत्म ही कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा सात और उसकी अधिक आयु वर्ग के साक्षर संख्या के अनुपात को मापता है? तो इसमें है शुद्ध उपस्थिति अनुपात, नामांकन दर, साक्षरता दर, ड्रॉप आउट अनुपात। तो ये आपका साक्षरता दर है, ठीक है, साक्षरता दर। तो 2020 क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा औसत आय का सही अर्थ है? ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, औसत आय कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये देश की कुल आय की और कुल जनसंख्या के भाग देने पर आता है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते, जैसे कि आपके परिवार जितने लोग कमाते हैं ऊपर वो लिख लो, और जितने लोग हैं, जैसे परिवार में लोग 10,000 रुपए कमाते हैं, घर में परिवार में है चार लोग, तो चार से डिवाइड दे देंगे। तो इसी हिसाब से देश के ऊपर, देश की कुल आय हाँ को इसकी कमाई करने वाले आबादी से विभाजित किया जाता है। देखो ये कमाई करने वाले, कमाई नहीं बच्चों, परिवार में जो कमाता है, नहीं कमाता उतने से, ठीक है। देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, बिल्कुल। देखते हैं देश की कुल, देश के सभी निवासियों को कुल आय नहीं, घरेलू और विदेशी स्रोतों को कुल आय नहीं, ये प्यारे बच्चों, ठीक है। जितने लोग कमाते पूरे देश में उसकी कमाई ऊपर और बटे में जनसंख्या, जो नहीं कमाते उनकी भी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वो आपका विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी। अच्छा भैया विज्ञान, विज्ञान में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, हाँ पढ़ाई लिखाई और कमाई होने चाहिए। स्वास्थ्य में सूचकांक और संचार की सुविधा, ये भी नहीं लग रहा। निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी सुधार, ये भी नहीं भैया, ये स्वास्थ्य, ठीक है। ह्यूमन में स्वास्थ्य नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा? चार। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण के परिणाम राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, निम्नलिखित में से कौन सा कथन का सार है? आर्थिक विकास, मानव विकास, सतत विकास, राष्ट्रीय विकास। तो ये आपका सतत विकास है। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 तो खत्म हो गया, 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संगठित क्षेत्र, एक ठेकेदार के लिए काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर, सभी रोजगार लाभ प्राप्त करने वाला एक इंजीनियर, अच्छा एक निजी स्कूल में सफाई कर्मचारी, एक दर्जी अपने घर पर कपड़े सिलता है। याद रखना संगठित, संगठित पूछ रहा है, तो ठेकेदार संगठित में होते नहीं है, ठीक है, और निजी स्कूल में जरूरी है संगठित हो आपका। तो सभी रोजगार लाभ करने वाला एक इंजीनियर, ठीक है, ये वाला संगठित के अंदर ही आ जाते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यहाँ पे दो चार क्वेश्चन के उत्तर भी इसी में है। प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, अगर सरकार इन 100 दिनों के रोजगार को पूरा करने में असमर्थ है तो सरकार को --, सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प ये भी आपको होमवर्क में रहेगा प्यारे बच्चों, कमेंट में क ख ग ग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, आज के इतना ही। इस दिन के बदले मुआवजे का भुगतान करना, इसके लिए एक और योजना बना देना, कम से कम 1/3% भत्ता देना, मुआवजे के रूप में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, तो इसमें से कौन सा है तो अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। एक और योजना तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके पास जाते, तीनों में से एक जरूर बताइएगा। वीडियो को देखते देखते यहां तक आ गए तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि हम ने इसी प्रकार मैथ और साइंस के भी वीडियो बना रखी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो DOE ने गणित का मैथ पेपर दिया था, तो भाग एक, भाग दो, भाग तीन में भाग पांच तक हमने बनाए थे, ठीक है, DOE का क्वेश्चन पेपर था, तो जरूर आप देखिएगा, ठीक है। हमने सारे साथ के साथ मिलकर लगाए थे आपके, ठीक है, और ये आपका हमने साइंस का भी है, ठीक है, विज्ञान का भी, DOE का पेपर दिया था, भाग एक, भाग दो, भाग तीन में ये हमने प्रश्न कुछ लगाए थे, ठीक है, किस प्रकार से थे ये भी आप देखिएगा। और सभी चैप्टर वाइज देखना चाहते हो तो चैप्टर वाइज भी हमने बना रखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भाग एक, अम्ल क्षार एवं लवण भाग दो, ठीक है। और सभी वीडियो आप हिंदी माध्यम में आसानी से मिल सकती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से अगर आपको कोई हेल्प मिली हो, आपका रिविजन हुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मैं सभी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।